हेलो दोस्तों, जय भोलेनाथ। आपका दोस्त राजबख्शी आज आपके लिए लेके आया हूँ मैं नई वीडियो। तो मेरा चैनल है बख्शी गुरदासपुरिया, ज्यादा कोई बढ़िया बड़ा चैनल नहीं है, अभी नई नई वीडियो बनानी शुरू की है। पर आप जितने भी लोग मेरी वीडियो देखते हैं, मैं सिर्फ आप लोगों को एक छोटा सा एक मैसेज देना चाहता हूँ। ये जितनी भी मैंने वीडियो बनाई है ना, कि किसी मंदिर में जा रहा हूँ या अपने मतलब कहीं टूर पे जा रहा हूँ, कोई भी वल्गर वाली वीडियो नहीं मैंने डाली। आज मैंने जो वीडियो डाली है सिर्फ कैरी मिनाटी को बताने के लिए कि भाई सुधर जाए, कैसी वीडियो बनाता है तू। कल मेरी बेटी, इसका मैंने नाम सुना हुआ था ना, मैं इसको फॉलो करता हूँ ना, मैंने इसको सब्सक्राइब किया हुआ है, मैंने नाम सुना था कि भाई बहुत बड़ा यूट्यूबर है। कल मेरी बेटी इसकी वीडियो देख रही थी, तो मैंने भी सोचा चलो देख लेता हूँ मैं भी। तो भाई साहब, मेरे को वो पूरी वीडियो नहीं देखी, मैंने बीच में ही वीडियो बंद कर दी, क्योंकि ये अपनी वीडियो में गाली गलौज बहुत देता है और वो हमारे बच्चों के लिए अच्छा नहीं है। और जिन यूट्यूबर्स की ये वीडियो में बेइज्जती कर रहा है, पता नहीं भाई क्यों अपनी बेइज्जती करवा रहे हो इससे। और इसका काम है मतलब अपनी वीडियो शुरू करता था डिस्क्लेमर में लिख देता है कि भाई कोई ये किसी का हम दिल नहीं दुखा रहे हैं, तो मतलब ज्यादा गुस्सा मत करिए, या जो भी है पहले गाइडलाइन देता है कि भाई हमने किसी का मन दुखाने के बिहाफ पे ये वीडियो नहीं बनाई है। पर तेरे दी बनेरिया ले आ रहा है लोगों की। वो एक पायलट वाला है अपना, क्या नाम है, फ्लाइंग बीस्ट वाला, आज तक उसकी जितनी भी मर्जी वीडियो देख लो, एक भी उसकी कोई वीडियो वल्गर नहीं है, संस्कारों वाली है। अपने हस्बैंड वाइफ की केमिस्ट्री बताई हुई उन्होंने, अपनी फैमिली की उनकी भी बेइज्जती कर रहा है। वो सौरभ जोशी है तो उसकी भी बेइज्जती कर रहा है, एक वो टेक्निकल गुरु जी है उनकी भी बेइज्जती, और गालियां अलग से निकाल रहा है। बच्चों पे यार क्या असर पड़ेगा? मैं तो भाई, मेरे को तो ये यूट्यूब समझ नहीं आया क्यों इसकी मतलब इतने व्यूज आ रहे हैं। अरे ये पेरेंट्स को देखनी चाहिए वीडियो, जो भी है ना ये सब्सक्राइब कर रहे हैं बच्चों, उनको बोलो अनसब्सक्राइब करें। और ये इतना हवा में है, इतनी हवा में है, इतना इसका दिमाग खराब हो रखा है। पता लोगों को कहता है मैंने कमा लिए पैसे, जो कमा रहे थे ऐसे कर लो ऐसे करो, मैं नहीं मतलब करता। अरे भगवान की जब लाठी पड़ती है ना, उसकी आवाज नहीं होती, पता नहीं चलेगा कब इतने जो मिलियन जिसपे अकड़ रहा है ना, इतने मतलब व्यू मिले हुए हैं, पता नहीं कब गिर जाए। तो भाई मेरे को तो मतलब इसकी वीडियो हम क्या देख रहे हैं यार, इतने सारे यूट्यूबर हैं, कोई फैमिलीज पे बना रहा है, कोई ट्रिप्स पे बना रहा है, कोई मतलब धार्मिक स्थानों की जानकारी देता है, हर कोई यूट्यूबर बनना चाहता है। ये चाहता है कि बस मैं ही रहूं, बाकी सब बकवास है, सबकी बेइज्जती कर रहा है क्या यार। मेरे को तो इसकी बिल्कुल भी समझ नहीं आई है कितना इतना सा दाना सा है ये। इसको एक बार मेरे सामने ले आओ, इसको मैं बता दूं कि आप भाई कैसे रोस्ट करते हैं इसको। एक बार ना इसकी नानी ना याद करा दी मैंने तो बात करना। भाई मतलब अच्छे यूट्यूबर बनो यार, मैं भी वीडियो बनाता हूँ। मेरी बेटी बोलती है यार पापा हमारा सभी का यार काम धंधा होता है, ठीक है, इसका यही काम धंधा है कि लोगों को गालियां निकालो और वाह भाई लूटो, क्यों भाई सब बेइज्जती कराने। अरे शर्म करो, मैं तो बोल रहा हूँ जिनकी ये मतलब रोस्ट करता ना, जिनको रोस्ट करता है, शर्म करो आप लोग, केस ठोको इस पे जो इतनी बेइज्जती कर रहा है। पहले लिख देता है कि हम दिल नहीं दुखाते जी किसी का, और सरेआम गंदी गालियां दिखा बच्चों पे यार क्या असर पड़ेगा। मैंने तो उसी टाइम अपनी बच्ची को बोला कि बेटा आज के बाद अगर मेरे को दिख गया कि तूने इस कैरी मिनाटी की वीडियो लगाई है, उसी दिन या तो टीवी तोड़ दूंगा या तो नेट बंद करा दूंगा। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब अगर अपने बच्चों को बिगाड़ना है तो भाई इसकी वीडियो दिखाओ। तो यही मेरा मैसेज था मेन आज का, कि इसकी इसको बोलो कि मतलब ये लोगों को रोस्ट करता ना, आज मैं इसको रोस्ट, एक फादर रोस्ट करेगा इसको। इतना गुस्सा आ रहा था मेरे को, मैंने भी बहुत सारी वीडियोस देखता, कोई भी इतनी गालियां नहीं निकालता यार, इतनी गाली गंदी गंदी गाली निकालता, दिखना नहीं चाहिए इसको उतने ज्यादा लोग। मेरे को तो समझ आ रहा है कि इसका मतलब लोग जो है गंद गंद जो होता है ना, गंदे विचार, जो गंद होता है, ये गंद है ये कैरी मिनाटी। हाँ बिल्कुल सुन रहा है ना कैरी मिनाटी, गंद है भाई तू गंद, ये जो गंदी गंदी गालियां निकालता है शर्म कर। कोई तेरे में मेरे को मतलब कोई प्राउड नहीं हो रहा तेरे को, कोई मतलब तेरी वीडियो देख के, गंद है तू। और बता, यही मैसेज देना है, इतना शेयर करो इस वीडियो को, इस तक मतलब पहुंचे ये वीडियो, और इसको पता चले कि कई एक पंजाबी मुड़े ने ना यदि वाट लाई है, यदि डंड लाई है, यदि क्लास लाई है, इन्नी शेयर करो कि लोगों के पता लगे कि ये की बेवकूफ कर रहा है। तो ओके थैंक यू, मैं थोड़ा यह हाइपर हो गया, सॉरी, पहली बार ये हाइपर हुआ है, मैंने मतलब पहली बार हाइपर हुआ हूँ, इसलिए अपनी पंजाबी लैंग्वेज आ गई बीच में मेरी, इसलिए मेरे को गुस्सा आ गया था इसकी वीडियो देख के।
यार मेरा बच्चा बैठा है गालियां दे रहा है यार, वीडियो देख रहे हैं उसी टाइम अनसब्सक्राइब करो, क्या जरूरत है ऐसे, और क्या बकवास वीडियो है। बस इसकी वीडियो में क्या होता है, ये लोगों की बेइज्जती करता है, लोगों की बेइज्जती करता है, चुगली करता है, चुगल हो रही ये है, और आप लोग इसको हवा में उड़ाए जा रहे हो, और ये इतनी मैं आ चुका है कि पूछो ही मत भाई, इसमें इतनी मैं आ चुकी है। और मैं वाला जो इंसान बोलता है ना, मैं वाला, वो ज्यादा दिन टिकता नहीं है, जो हवा में आसमान में उड़ रहा है ना, नीचे गिरेगा नीचे, बिल्कुल। तो थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए, इतना शेयर करो कि ये वहां तक उसको पहुंचे और उसके दिमाग में आए कि मैं क्या कर रहा हूँ। अरे मतलब वीडियो बनानी है, कोई ढंकी बना, कोई बच्चे इंस्पायर हो, कोई अच्छी चीजें करे, कि तेरी तरह बने कि भाई यहाँ भी गालियां निकालते हैं, गालियां निकालने से व्यू अच्छे मिल रहे हैं, ये इस वे में ना जाए लड़के लड़के लड़कियां जो भी दोनों हैं। तो थैंक्स वॉचिंग फॉर माई वीडियो। तो जय भोलेनाथ, थैंक यू।